नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। लोहरदगा सदर क्षेत्र के बांग्ला मोहल्ला में वार्ड नंबर 9 कमिश्नर अब्दुल वारिस के घर के पास लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। 145 लोग महिला एवं पुरुष ने लिया वैक्सीन। वही मौके पर वार्ड कमिश्नर अब्दुल वारिस ने बताया कि आज मोहल्ले वासियों ने काफी संख्या में जागरूक होकर स्वतः से वैक्सीनेशन करवाने अपने घरों से निकलकर वैक्सीनेशन कैंप पर आकर वैक्सीन ले रहे हैं। जिन्होंने पहला डोज भी नहीं लिया था वह तीसरी लहर को देखते हुए खुद जागरूक होकर वैक्सीन ले रहे हैं। और उन्होंने जिले वासियों से अपील किया कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है वह अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन अवश्य ले एवं कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। आज कुल वैक्सीन 145 हुआ है और बंगला रोड में 6 तारीख को भी वैक्सीन का कैंप लगा था। लगभग 250 लोग वैक्सीन लिए थे। लोग जागरूक हो रहे हैं और लोगों से यही अपील रहेगा कि मोहल्ले में जहां भी कैंप लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, कोई भी लोग छूट ना पाए। लोहरदगा से वीरेंद्र मुंडा की रिपोर्ट। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।